अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम मैथ्स की कुछ उन टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। तो हम इनके बारे में आज हम डीपली कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स को समझते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर, दो नंबर्स से मिलकर बनते हैं। रियल नंबर्स में होते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स को जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या हैं। वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब भी ये डिवाइड होंगे तो इनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। एग्जाम्पल, 1/√2, कॉमा 3/√5π। जब भी इन नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से कुछ आएगा, एंड सो ऑन। ये चलते ही रहेंगे, ये कभी भी जो है वो टर्मिनेट नहीं होते। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, जो कि रियल नंबर्स में शामिल हैं। रियल नंबर्स कंटेन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? रैशनल नंबर्स भी मजीद दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास हैं फ्रैक्शंस और दूसरे हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शंस में आप कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शंस में आते हैं। और सेकंड जो है रैशनल नंबर्स की सेकंड कैटेगरी है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी दो कैटेगरीज हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स -1 से लेके शुरू होंगे, -1, -2, -3 और सो ऑन। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स शामिल हैं और हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर जो है वो आपको पता है जैसे कि 0 से शुरू होता है, होल नंबर में 0 इंक्लूड है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1+1+2+3 जो कि हम नॉर्मली 1-3 लिखते हैं, इनको ये हमारी काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू है।